नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। शिक्षक बहाली को लेकर चार दिन, शिक्षक बहाली के लिए चार दिन कक्षा और परीक्षा रहेगी स्थगित। जी हां, बिहार में बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा होने वाली है BPSC का, और उसी को देखते हुए बिहार में जितने विश्वविद्यालय हैं सारे अपने उस संस्थानों को बंद कर दिया गया, यानी कि 24, 25, 26, 27 चार दिन अपना जो कार्यक्रम जो भी रहेगा परीक्षा कक्षा वो सारा स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विभाग की तरफ से लेटर भेज दिया गया है कि इस दिन आप अपने संस्थानों में कोई भी कार्य ना करवाएं, क्योंकि इस दिन BPSC एग्जाम लेगा। उस शिक्षा निदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र, 12 तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 4 लाख के पार, 24 से 27 अगस्त तक परीक्षा के लिए कक्षा व कार्यालय को रखे तैयार, 3,72,000 अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। एक और पटना छप के आ रही है, दैनिक जागरण के द्वारा इस न्यूज को प्रकाशित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षक बहाली परीक्षा को बेहतर तरीके संपन्न कराने के लिए राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में 24 से 27 अगस्त तक कक्षा संचालन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख से कम रहने पर एक पाली और अधिक रहने पर दो पाली में परीक्षा संभावित है, यानी कि अगर फॉर्म भरने की संख्या 6 लाख से अधिक हो जाती है तो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, अगर नहीं होती है तो एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि अभी आज के डेट में यानी कि 9 तारीख के डेट में 4 लाख से कुछ सीटें ऊपर चला गया फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन संख्या जो है, फॉर्म संख्या जो है वो 4 लाख से ऊपर हो गया है। अभी आपके पास 3 दिन समय है, 3 दिन में कम से कम 2 लाख फॉर्म जरूर गिरने हैं, तो ये 6 लाख से ऊपर भी जा सकता है। उस शिक्षा विभाग ने, रेखा कुमारी ने सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर कहा कि 24 से 27 अगस्त तक महाविद्यालयों एवं विभागों के कक्षाओं में किसी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवश्यक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी वर्ग कक्षा एवं संबंधित भवनों व कार्यालयों की आवश्यकता होगी। सभी विश्वविद्यालय प्रबंधन इस संबंध में पत्र जारी कर कॉलेजों व विभागों के प्रमुख की जानकारी उपलब्ध करा दी। BPSC द्वारा गुरुवार की रात संशोधित कैलेंडर में शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 24, 25, 26 व 27 अगस्त की तिथि आरक्षित की गई है। अब देख सकते हैं 3,72,000 अभ्यर्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। आयोग सूत्रों के अनुसार शनिवार के शाम 6 बजे तक 3,72,672 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें 3,15,950 शुल्क जमा कर चुके हैं। वहीं एक दिन पहले शुक्रवार के शाम 6 बजे तक 2,91,310 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व 1,98,673 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कराया है, यानी कि एक दिन में 2 लाख फॉर्म गिरा है। सोचो आज भी कितना फॉर्म गिर सकता है, ये भी सोचिए। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार को कुछ समय के लिए सर्वर स्लो हुआ था। शिक्षक बहाली के लिए आवेदन 15 जून से स्वीकार किए जा रहे हैं। शुरुआती 15 दिनों में आवेदन का आंकड़ा 1 लाख को भी पार नहीं कर सका था। पिछले 3 दिनों में आधे आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए शिक्षकों के आवेदन 10,000 के आसपास बताया जा रहा है। आयोग 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा, उसके बाद आपको डेट नहीं मिल सकता है। खैर, ये आंकड़ा है, हो सकता है डेट बढ़ा भी सकता है। खैर, जो भी अपडेट था हमने आपको दिया, और भी ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।